गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में जूलॉजी सब्जेक्ट की. तो जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर अपन ने बात की थी इन्वर्टिब्रेट्स में लोकोमोटरी ऑर्गन की. लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो इन्वर्टिब्रेट्स में प्रोटोजोआ संघ के और प्रोटोजोआ संघ के वर्ग राइजोपोडा और सीलिएटा संघ के एनिमल्स की अपन ने बात की थी. तो जो प्रोटोजोआ संघ के जो एनिमल होता है अमीबा की बात की थी, पैरामीसियम युगलीना और स्टारफिश की बात की थी. जो अमीबा होता है उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है, हमने कल उसमें बात की थी अमीबा की जो आकृति होगी वो अनियमित आकार की होगी और उसमें प्रेजेंट होगा शूडोपोडिया प्रेजेंट होंगे. शूडोपोडिया जो हैं वो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं अमीबा में. वैसे ही हमने कल बात की थी पैरामीसियम में, तो पैरामीसियम की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनने हमें नाम दे दिया था सीलिया. ये सीलिया पैरामीसियम में लोकोमोटरी ऑर्गन होता है. वैसे ही हमने बात की थी कल युगलीना की. तो युगलीना की बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बड़ी होती है चाबुक के समान होती है, तो इसके द्वारा ये लोकोमोशन करता है. तो लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में इसमें प्रेजेंट होता है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. तो फ्लैजिला इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया. वैसे ही हम आज बात करेंगे स्टारफिश में. तो स्टारफिश में अपन ने बात की थी स्टारफिश की जो स्ट्रक्चर होती है वो 5 आर्म्स की होती है. उस पांच आर्म्स के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र पाया जाता है. उस तंत्र को हमने नाम दिया था वाटर वैस्कुलर सिस्टम. तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम या जल संवहनी तंत्र जो होता है, उस जल संवहनी तंत्र के द्वारा उसमें एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है ट्यूब फिट. इस ट्यूब फिट के द्वारा ही जो तारा मछली जो होती है ये तारा मछली गमन करती है. तो आज तुम्हारे एक यूनिट का ये टॉपिक है कम्प्लीटली स्टार फिश में वाटर वैस्कुलर सिस्टम. इसी से संबंधित हम उसी को रिलेटेड करते हुए उसी में ही लोकोमोटरी ऑर्गन की भी बात कर लेंगे. तो हमने बात की कि स्टार फिश में लोकोमोटरी जो ऑर्गन होता है उसे नाम दे दिया ट्यूब फिट. तो स्टार फिश के हम बात करेंगे उसमें 5 आर्म्स पाई जाती है. स्टार फिश में 5 आर्म्स के सेंट्रल पॉइंट में एक सिस्टम पाया जाता है जिसे बोला जाता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम. इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम की हम बात करें डिटेल से, तो सबसे पहले बात होगी जो तारा मछली होती है स्टार फिश होती है, इन्वर्टिब्रेट्स होंगे जो जल के कांटेक्ट में रहने से जैसे स्टार फिश होती है, स्टार फिश में 2 सरफेस पाई जाएगी. ऊपर वाली सरफेस को जो मुख की तरफ, यानी कि 2 मुख की तरफ और गुदा की तरफ 2 सरफेस होगी, मुख की तरफ जो होगी उसे ओरल सरफेस कहते हैं. उसे नाम दे दिया जाता है ओरल सरफेस. और जो गुदा की तरफ होगी, जो सेकंड यानी कि एक तो ऊपर वाली सतह होती है अधर सतह, एक पृष्ठ यानी कि अधर सतह की बात करें मुख की तरफ वाला, तो ओरल सरफेस गुदा की तरफ होगी तो एब ओरल सरफेस होगी. एब ओरल सरफेस 2 सरफेस होगी. तो इन दोनों सरफेस के मध्य में केंद्र में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोला जाता है रिंग कैनाल. तो ये हम बात करेंगे ये स्टार फिश की स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल होता है रिंग जो होती है इसे नाम दे दिया गया. ये जो सर्कुलर रूप में आपको दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है रिंग कैनाल. ये जो रिंग कैनाल होती है इस रिंग कैनाल के ऊपर एक फूली हुई संरचना जो बाहर के जो सेंट्रल यानी कि जो डिस्क से अटैच होगी और बाहर की तरफ निकली होगी उसे नाम दे दिया जाएगा मैड्रीपोराइट. ये फूली हुई लंबी एक संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है मैड्रीपोराइट. तो मैड्रीपोराइट का ऊपर वाला जो बटन लाइक स्ट्रक्चर होगा हम तो इस ऊपर वाले भाग को मैड्रीपोराइट कह देंगे, लेकिन ये जो नीचे एक उतर कर एक लंबी नलिका रूपी जो संरचना आ रही है जो जुड़ रही है इस केंद्र वाली डिस्क से, तो इसे नाम दे दिया जाएगा स्टोन कैनाल. जो मैड्रीपोराइट होती है, हम बात करेंगे मैड्रीपोराइट के स्ट्रक्चर की. ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है मैड्रीपोराइट की. देखो ऊपर वाली जो संरचना है उसे नाम दे दिया गया मैड्रीपोराइट और नीचे जो उतरकर एक नलिकाकार संरचना आ रही है इसे नाम दे दिया गया स्टोन कैनाल. ये जो स्टोन कैनाल है ये स्टोन कैनाल जुड़ जाती है रिंग कैनाल से जो आपको सेंट्रल पॉइंट पे दिखाई दे रही है. रिंग कैनाल से अटैच होगी ये स्टोन कैनाल और स्टोन कैनाल के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है ये वाला जो भाग होता है. इस वाले ऊपर वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे रंध्र जिन्हें बोलते हैं हम पोर. ये छोटे छोटे जो पोर हैं ये पोर नीचे चलकर एक नलिका रूपी संरचनाएं बनाएंगे और सारी नलिका रूपी संरचनाएं जो जुड़ जाती है
ये वाले जो रंध्र होंगे नीचे उतर कर एक नलिका रूपी संरचनाएं बना लेंगे। इन नलिका रूपी संरचनाओं को जो समूह में बन जाएगी उन्हें नाम दे दिया जाएगा कलेक्टिंग कैनाल, संग्राहक कैनाल कहा जाएगा। अब बात करेंगे जो रंध्र हो, ये रंध्र जो होंगे इनसे वाटर का वे चलता रहेगा। अब बात करेंगे कि रंध्र के नीचे जो कैनाल जाएगी उस कैनाल को बोल देंगे पोर कैनाल। ये जो पोर कैनाल होती है वो कम्प्लीटली कवर होती है सिलिया के द्वारा। तो हम बात करेंगे कि पक्षमाभ युक्त रंध्र कैनाल होती है। ये वाली संरचनाओं में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे कशाबिक संरचनाओं का भी इनमें रोल होता है। अब ये ऊपर वाला भाग है फूला हुआ भाग, रंध्र जिस भाग में उतरेंगे इस वाले भाग को एम्पुला कहा जाएगा। एम्पुला का मतलब तुम्बिका होती है, फूला हुआ भाग होता है जिसमें रंध्र उतरकर संग्राहक नलिकाओं का निर्माण करते हैं और संग्राहक नलिका नीचे की तरफ उतरकर एक ये फूला हुआ भाग होगा, इसे एम्पुला कहेंगे, इस वाले भाग में आ जाती है। अब एम्पुला से नीचे एक सक्रिय नलिका निकलती है, इस सक्रिय नलिका को हमने नाम दे दिया स्टोन कैनाल। अब बात करेंगे स्टोन कैनाल की। ये स्टोन जो कैनाल होती है वो चूने से युक्त होती है, तो स्टोन कैनाल को हम पत्थर की नलिका भी कहते हैं क्योंकि चूने का इसमें डिपोजिशन पाया जाता है। चूने के डिपोजिशन के कारण ये मजबूत हो जाती है, कठोर हो जाती है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल नीचे उतर कर एक गोलाकार रिंग से जुड़ जाती है। हमने उसकी बात की कि ये जो तारा मुस्लिम है सेंट्रल कैनाल होती है, ये जो सेंट्रल कैनाल होती है इस सेंट्रल कैनाल से ही मैड्रीपोराइट जुड़ता है और मैड्रीपोराइट के नीचे की तरफ स्टोन कैनाल आ रही है जो कि रिंग कैनाल से अटैच हो रही है। तो हमने बोलते हैं स्टोन कैनाल को ही हम क्या कहते हैं, अश्वनाल कहा जाएगा या इसे पत्थर की नलिका कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसमें चूने का डिपोजिशन होता है, चूने के डिपोजिशन के कारण इसे कहते हैं। अब नीचे की तरफ हम बात करेंगे ये जो संरचना होती है रिंग कैनाल, ये जहां पर अटैच होगी वहां पर कशाबिक संरचना भी पाई जाएगी। आपको पता है पक्षमाभ और कशाब दोनों मूवमेंट करते हैं, कल मूवमेंट की भी बात की थी अपन ने। ये मूवमेंट होंगे, एक तो दोलन या तरंगीय प्रकार का मूवमेंट होगा। तो पक्षमाभ जो होता है वो तो दोलन प्रकार का करता है मूवमेंट, जबकि जो कशाब होते हैं कशाब ये कंपन की बात करेंगे, ये कंपन करते हैं या तरंगीय गति को शो करते हैं। इसमें एक झिल्ली लाइक ग्रंथि पाई जाती है जिसे एक्सियल ग्रंथि कहा जाता है, जो नीचे उतर कर संरचनाओं को कंट्रोल करने का एक्सियल ग्लैंड पाई जाती है। अब बात करेंगे स्टार फिश में मुख्यतः जो भाग पाया जाता है, तो मुख्यतः भाग में हो गया हमने एक पॉइंट पढ़ लिया मैड्रीपोराइट। तो मैड्रीपोराइट कंप्लीट हो गया, यहाँ से रंध्र होंगे प्रेजेंट, रंध्र मिलकर कलेक्टिंग कैनाल का निर्माण करेंगे जो एम्पुला में खुलेंगे फूले हुए भाग में और एम्पुला से स्टोन कैनाल में। तो यहाँ पर वाटर का यही वे चलता रहेगा। हमने बात की जो तारा मछली होती है एक इन्वर्टिब्रेट्स है जो कि वाटर के कॉन्टेक्ट में रहेगी, तो बॉडी के अंदर वाटर का फ्लो यानी कि आना जाना लगा रहेगा, इसीलिए इसको कंट्रोल के लिए इसमें एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम या जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। अब बात करेंगे तारा मछली की जो पांचों आर्म्स होती है, पांचों आर्म्स में सेंट्रल पॉइंट से ये पांच कैनाल निकलती है। ये जो लंबी वाली संरचनाएं होती है इनको हमने नाम दे दिया रेडियल कैनाल। ये जो रेडियल कैनाल है ये यानी कि तारा मछली की जो स्ट्रक्चर होती है उन पांचों आर्म्स में लंबवत संरचनाओं में पाई जाती है, जिन्हें हमने नाम दे दिया रेडियल कैनाल। ये रेडियल कैनाल लंबवत होगी और इसके एकांतरित रूप में ये जो कम्प्लीटली भुजाओं में फैली हुई होगी अंतिम शोर के ऊपर यहाँ पर कपाट पाया जाएगा, एक वॉल्व पाया जाएगा जो वाटर फ्लो को बाहर जाने से रोकता है, जबकि झिल्लियों पर भी दाव बनाए रखता है। अब बात करेंगे कि जो रेडियल कैनाल होती है, पांच रेडियल कैनाल इसमें प्रेजेंट होगी, रेडियल को हमने नाम दे दिया अरियनाल। अब इसके एकांतरित रूप में प्रेजेंट होती है, रेडियल कैनाल के एकांतरित रूप में प्रेजेंट होती है लेटरल कैनाल। ये आपको दिखाई दे रही है रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के साइड में एकांतरित रूप में व्यवस्थित है, जो कम्प्लीटली जितनी भी लंबी ये रेडियल होगी उसके लंबवत रूप में कम्प्लीटली प्रेजेंट होगी लेटरल कैनाल। ये वाली जो साइड वाली होगी इसे लेटरल कैनाल कहा जाएगा। ये जो लेटरल कैनाल है, लेटरल कैनाल के स्टार्ट पॉइंट पर यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो वाटर को आने से रोकते हैं या जाने से, जबकि इसमें जो वाटर आएगा रेडियल कैनाल में वाटर आ गया जो
एंटर करेगा किसमें, लेटरल कैनाल में, और लेटरल कैनाल से ये जाएगा लास्ट वाली जो संरचना होती है, हमने बात की कि स्टार फिश में लोकोमोटरी ऑर्गन होता है ट्यूब फिट, तो इस ट्यूब फिट में जाता है। तो इसके जाने को रोकने के लिए यहाँ पर एक कपाट प्रेजेंट होता है या वॉल्व प्रेजेंट होता है। वैसे ही हमने बात की थी इसमें रेडियल कैनाल में भी कंप्लीटली एंड शोर के ऊपर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो हमने बात की ये तो लेटरल कैनाल होगी। अब बात करते हैं लेटरल कैनाल के अंतिम सिरे के ऊपर एक फूली हुई संरचना पाई जाती है। इस फूली हुई संरचना को हमने नाम दे दिया ट्यूब फिट, ट्यूब फिट कहा जाता है। अब बात करेंगे कि जो ट्यूब फिट होती है, इस ट्यूब फिट के अंदर तीन यानी कि तीन भागों में ये डिवाइडेड होती है ट्यूब फिट। यही लोकोमोटरी ऑर्गन होता है स्टार फिश का। ये देखो, ये वाली संरचना होती है ट्यूब फिट की। तो ट्यूब फिट में आपको ये फूली हुई गुब्बारे नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, इस गुब्बारे रूपी संरचना को कहा जाता है एम्पुला। एम्पुला के नीचे एक आपको नलिका दिखाई दे रही है, एक नीचे की तरफ, इसे बोला जाता है पोडियम। और पोडियम के नीचे आपको एक छोटी संरचना दिखाई दे रही है एंड शोर पे, जिसे कहा जाता है शुकर। ये शुकर प्रेजेंट होता है, ऊपर वाला फूला हुआ भाग है जिसे तो बोला जाता है एम्पुला। एम्पुला के नीचे प्रेजेंट होता है पोडियम, और पोडियम के नीचे प्रेजेंट होते हैं शुकर। अब बात करेंगे कि जो रेडियल केनाल होती है, रेडियल केनाल के अटैच में एकांतरित रूप में व्यवस्थित होती है, उसे बोला जाता है लेटरल केनाल। ये रेडियल, ये लेटरल, लेटरल केनाल, और लेटरल केनाल के एंड वाले सिरे पर फूली संरचना पाई जाएगी जिसे हमने नाम दे दिया था ट्यूब फिट नाम दे दिया था। इस ट्यूब फिट के द्वारा ही ये जो स्टार फिश होती है वो वाटर के कॉन्टेक्ट या सरफेस के कॉन्टेक्ट में आती है। तो हम आज यहीं तक बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।